आरती वाल्मीकि और ये है ग्राम नरसिंहगढ़ ब्लॉक पथरिया जिला दमोह। मर्यादा अभियान के दौरान चलने वाली हमारे मध्य प्रदेश में है योजना जिसके द्वारा महिलाओं को शौचालय सुविधा दी जाती है, जिसके लिए सपना ने कलेक्ट्रेट में जाके आवेदन भी दिया अप्रैल 2013 में। साल भर के बाद भी यहाँ कोई बदलाव शुरू नहीं हुआ। हमारा गड्ढा ऐसी जगह है बिल्कुल दोरे के पास में, तो बच्चे आ रहे जा रहे तो उसमें गिर रहे उठ रहे हैं, और हम उनको बार बार जाके बोल रहे हैं कि भैया हमारा सामान भेजो और हमारा काम चालू करवाओ, तो बोलते हैं कि हो जाएगा, बार बार जय जय दिलासा देते हैं। जब ऊपर से आदेश आ गया तो तुम क्यों पीछे हट रहे, हमारा सामान क्यों नहीं भेज रहे हैं, चार लोगों का रह गया है, चार पांच लोगों का। ये गड्ढा कब खोदा था? ये गड्ढा 20 दिन हो गए हैं। सरपंच ने बोला कि गड्ढा करो, अब सरपंच ने नहीं खुदवाया, मैंने अपनी मजूरी लगा के 500 रुपये में खुदवाया। अब कुछ सामान नहीं आते, बच्चे गिरते हैं उठते हैं, हमारे छोटे छोटे जानवर गिरते हैं। इस समस्या पे जो बदलाव है पूरा 28 अगस्त 2014 में ये पूरा बदलाव हो चुका है और सभी महिलाओं के शौचालय चालू हो चुके हैं। ये शौचालय कब से चालू हो गया? जी शौचालय चालू हुआ है अभी 2-4 दिन हुए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे मैडम, क्योंकि मेरे बच्चे नाए माए फिरते थे, अब अंदर ही जाने लगे हैं। वो बटियागढ़ में आरती दीदी हैं, उनको बुलाया था हमने, सबका मटेरियल डल गया था, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने आके ये देखा, यहाँ पर गड्ढा तो हो गया था हमारा। फिर उसके बाद में वो ग्राम पंचायत लेके गई 10-12 महिलाओं को, फिर उस वहाँ पर ग्राम पंचायत में उन लोगों ने किया। जो वीडियो आप बना के ले गई थी उस दिन, तो वो उधर पंचायत में पहुँची, सचिव कहाँ सरपंच कहाँ सब ने देखी, तो जी काम और फिर जल्दी शुरू हुआ। आप वीडियो बनाकर लाई थी, वह वीडियो आपने हमको दिखाया, तो आपने उस समय क्या सोचा, क्या है ये आपको सरपंच सचिव को बताना चाहिए ना बताना चाहिए? बताया था, दोनों को सूचना दी थी तत्काल। वार्ड नंबर 6 की जो समस्या थी वो अब तक कैसे पहुंची सर? वीडियो के माध्यम से। और कुछ आवेदन भी आए थे? आवेदन थे मेरे पास पहले से। तो अब वहाँ क्या बदलाव किया आपने सर? शौचालय निर्माण बनाना चालू कर दिए। सभी महिलाओं के शौचालय चालू हो चुके हैं और सभी खुश हैं। मैं आरती वाल्मीकि भी बहुत खुश हूं कि आज मेरा संघर्ष भी कामयाब हुआ। मैं सचिव और सरपंच महोदय को भी धन्यवाद कहना चाहती हूं और उन महिलाओं को भी धन्यवाद कहना चाहती हूं जिन्होंने अपना ये संघर्ष पूरा किया और इतना बड़ा बदलाव पा सकी हैं। मैं आरती वाल्मीकि जिला दमोह बटियागढ़ मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।